सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे सोनी बलौटा टीवी चैनल ते मैं तुहाडा दोस्त जसवीर सोनी। अज तुहाडे सामने असीं एक होर स्टोरी लेके आए हाँ। स्टोरी नहीं है बल्कि ये हकीकत है कि ये तुसी देखिया होना कि पिछले समय दे विच के बी सी कौन बनेगा करोड़पति रियलिटी शो दे विच एक बच्ची अखां ते पट्टी बन के नक्क नाल सुंघ के पढ़न दा जिहड़ा दावा करदी सीगी ते अमिताभ बच्चन जी वो तो पढ़ा रहे थे, वो भी हैरान हो रहे थे भी इन्हें किस तरह किया है। तो होर भी बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े कि वख वख स्टेटां दे विच इदां दे दावे करते हैं तो कई ने तो मतलब स्पैशल स्कूल खोले हुए हैं इस चीज़ के। तो उन्हां दा दावा की है कि तुसीं साडे नाल बच्चा भेजो, असीं थोड़े बच्चे नूं ट्रेन करांगे, ट्रेन करन तों बाद अखां दे उत्ते काली पट्टी बन्ह के तो जिहड़ा वह मतलब पढ़न लग जूगा, यानी उहदा जिहड़ा ब्रेन है उहदा दिमाग है इन्ना असीं तेज़ कर देंगे। तो वह बड़े बड़े दावे करते हैं भी अगे जाके वो बच्चा भविखबाणी भी करेगा जी, वो कंपीटिशन के भी जो फस्ट आऊगा जी, सारा कुछ इदा दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। तो हज़ार रुपये लोगों तो लखा रुपया लोगों को ठग रहे हैं। असल दे विच ये पट्टी अखा दे पट्टी बन के पढ़न का राज की है, तुसी जुड़े रहो वीडियो के एंड तक। तो असी दो दिन बच्चे दिखावे वक्रे वक्रे जिदा बच्चे सिलेबस दे पढ़ते हैं, तो कोई इंग्लिश वाला बच्चा, हिंदी वाला बच्चा भी, पंजाबी वाला बच्चा भी, उसनों अखा की पट्टी बन्ना, उन्होंने पट्टी बनने तो बाद अखा पढ़न गए तो एंड जाके दसा भी यदा पिछले राज की है। तुम भी अखा की पट्टी बन के पढ़ सकते हो, तुहाडे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ये कोई शक्ति नहीं है तो कोई इदा दिमाग तेज होने वाली गल नहीं है। मैं बच्ची की अखा की पट्टी बनना तो पहला मैं तुम दिखा देव कि पट्टी जी है ये डबल है, सिंगल नहीं है, ये आ दूरी पट्टी जी है दूरी करके सौन मार के बनाई हुई है। तो मैं इस बच्ची के अखा की पट्टी बनता है, लो जी आप चंगी तरह जी है अखा से पट्टी बन दें। तो उस तो बाद अखा की पट्टी बनने तो बाद काली पट्टी तो किताब पढ़ूगी, देखते हैं आप मतलब तो नाल ही आप जानते हैं। बेटा नाम की है तुम्हारा? मनवीर कौर। मनवीर कौर किस क्लास पढ़ते हो? सेवेंथ। सेवेंथ आ मेरे को एक किताब है, ये कोई इन्हें सिलेबस की किताब नहीं है, ये लाइब्रेरी ली हुई किताब है। कई बार ये होंगे भी पता नहीं सिलेबस की किताब है तो बच्चे पहले रटी हुई है कि आप वक्रे वक्रे पेजों के तो जोड़ा गा पढ़ के जानने हैं इस बच्ची तो भी ये किस तरह पढ़ती हैगी है। तो जी आप एक पेज कढ़ लें, पेज कढ़न तो बाद कोई भी पेज जोड़ा है गा। लो बेटा किताब लो तो आ सानू इतों पढ़ के सुनाओ। The editor shall prepare edit composition that it is sufficient to enable and extract editor to understand the चलो ये मैं कैमरा में कहूँगा भी थोड़ा जूम करके दिखा देना, और वाकई बच्ची ने जरा यह चीज़ सही पढ़ी है। तो अगे होर देखो आप एक पेज से नहीं है लगता होगा भी शायद एक पेज उत्ते याद होना है। हाँ बेटा इतों पढ़ के दिखाओ। टैबलेट एडिटर एक्सेप्ट एरर सैंपलिंग रिस्क द एडिटर एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इग्नोर द पॉपुलेशन लार्ज सैंपल साइज इन रिग्रेट इफ पॉपुलेशन एक्सपोर्टेड टू बी फ्री ऑफ मिसलेड। लो जी ये भी तुसी जूम करके दिखा दो, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि बिल्कुल सही पढ़िया बच्ची ने। अगे आप होर किसी पेज के उत्ते आप होर पढ़ा के देख लें। लो इधरों पढ़ के सुनाओ सानू। हाउ विल वेरीफाई वॉच परसीज रिटर्न हाउ वुड वी वेरीफाई टू वॉच कंसेट सेल How would you watch and or verify consignment? लो जी आप एक अद्धा पेज नहीं कट्ठे इन्होंने पेज बदल के है तो सानू इधरों पढ़ के सुनाओ जी। अंडर सैक्शन 301 ऑफ द आर्ट एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेनटेन वन और मोर रेसीजेंस विच कंटेन द पर्टिकुलर ऑफ ऑल कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट। इधरों पढ़ के सुनाओ जी।
टू रिमेंबर द की वर्ड्स द रिसेम ऑफ आई सी ए एल इज फॉलोज इन शॉर्ट आडियर्स एंड रिवर्स ऑफ हिस्टोरिकल प्रिंसिपल एंड रिस्पोंसिबिलिटीज। लो जी आपां इन्हां तों वक्रे वक्रे पेजां ते जिहड़ा सीगा इन्हां नूं दित्ते दस्या गया भी इस पेज तों पढ़ो, पर इन्हां ने पूरी जिहड़ा वधिया पढ़ता। तो आपां इक होर कढ लैंदे हां, भी शायद लगता होगा भी पता नहीं इहदा रट्टा लाया होना किताब का। एक आह अपने कोल डब्बी है ते इहदे उत्ते लिखिया हैगा, कैमरामैन घुमो जूम करके दिखा दे ते देख लो बेटा, आप पढ़ के दसो सानू की लिखिया इत्थे। डिजीज ऑफ हैंस डाइटली डाइटलामाइन विरग्रेन लिनसील ऑयल। इधर की लिखा हुआ है मैन के मेक्ड बाय सेक्ट्री किड्स। लो जी ये तो भी इन्होंने पढ़ के सुनाता। एक आह जिहड़ा हैगा इहदे उत्ते लिखिया होएगा, जिहड़ा कैमरामैन को जूम करके दिखा दो, तो ये कोई किताब नहीं है, ये मैगजीन है। तो मैगजीन नहीं पढ़ेगा तो आप बच्ची तो, क्योंकि एक थोड़ा दस देव कि बच्ची थोड़ा जा इंग्लिश ही ज़्यादा पढ़नी आँदी हैगी है, आप पंजाबी ते हिंदी भी थोड़ा दुनिया होर बच्चे जो है उन्होंने पढ़ा के सुनावे। तो आह कुछ जिहड़ा है लिखा हुआ है, तो इतने तुम कैमरामैन कहूँगा मैं जूम करके दिखा दे, तो आप ये तो भी पढ़ा के देख लें। थले की लिखा हुआ बेटा सारा कर्नाटका एग्रो केमिकल्स। और अगे की लिखा है BO3O4 इक्वल टू सी मॉडल टाउन पेज 1 बठिंडा। यह जो बाकी लिखा हुआ है तो बिल्कुल बिना रुके, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के, बच्ची की अखा की काली पट्टी जी है बनी हुई है, तो इन्होंने तुम्हें पढ़ के दिखाया। हुण अगे आपां होर अपने नाल दो बच्चियां ने उन्हां तों भी आपां किताबां वक्रियां वक्रियां पढ़ा के ते फिर तुहानूं एंड ते जाके दसांगे वी इह पढ़िया किवें जांदा। हाँ तो दोस्तों पहला तुसीं देखिया, हुण अपने नाल एक होर बच्ची हैगी है, आपां जाणदे हां कि नाम की है बेटा तेरा। कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर किहड़ी क्लास पढ़दे हो? 7th। ये भी 7th क्लास की विद्यार्थी हैगी बच्ची, 7th क्लास पढ़ती हैगी है। तो आप इन्हों के अखों के उत्ते भी पट्टी बन के जोड़ा है, जिमें पहला बच्ची ने पढ़िया से पहले अखों के उत्ते पट्टी बन दें। लो जी आप जिस तरह पहला पट्टी बनी सी उस तरह ये पट्टी बन दें, तो ये भी अखों के उत्ते पट्टी बनने तो बावजूद भी जोड़ा है नक् नाल सूंघ के पढ़ेगी। तो आप पहला बच्ची तो इंग्लिश किताब पढ़ाई सी, तो आप हम इस बच्ची तो हिंदी की किताब पढ़ाने जी। ये किताब जी लाइब्रेरी किताब है, कोई सिलेबस की, क्योंकि 7th किताब की जी क्लास की बच्ची हैगी है, किताब नहीं होंगी, तो लाइब्रेरी से किताबा लिया हुई ने, तो अपन पढ़ाने। ला बेटा सानू इधर पढ़ के दसो, उपर उपर पढ़ के सुनाओ। मैंने पांचों की बातें सुनी और मुझे लगा कि वह आदमी मनुष्य जाति की अमूल्य निधि है, उसकी बनावट पर शोष होना ही चाहिए। मनोविज्ञान विशेषण इसके दिमाग का अध्ययन करें, मानव विज्ञान वाले। लो जी आप एक पेज है, हो सकता भी रट्टा लाया हो, भी अपने दिमाग से हो सकती गल, आप 5-7 पेज पलट के जो है पढ़ाने, इधरों पढ़ के दसो जी। कार्यक्रम से उनकी तटस्थता की ही निंदा न करें, यदि वास्तव में उन्होंने अपनी साहित्य सृष्टि द्वारा निवन शैली नवीन सुंदर कल्पना और भव्य भाव जगत की रचना की है, रवि बाबू स्वदेश प्रेम की संपूर्ण मनुष्यता। आप होर पलट के पढ़ा लेने, इन्ने पेज कट्ठे ही पलट देने, एक पेज लिया के सू इधरों पढ़ के दसो। उच्चारण के आधार पर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, वर्ण स्वर व्यंजन स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख विवर के बिना
किसी रुकावट के निकल जाती है वह सबर कहलाता है। अंत देखो जी बिल्कुल सही है, कैमरा मैन कहूँगा मैं जूम करके दिखा दे सारा कुछ जो है सही पढ़िया ने अपा अगे तो होर जो है किताब पढ़ो जी तुम तो आप होर पढ़ाने आप हम कट्ठे अद्धी किताब ही पलट दें ये किसी को भुलेखा ना रहे भी शायद किसी दो चार पेज का रट्टा लाया होगा आप अद्धी किताब ही पलट दें लो जी इधर पढ़ के सुनाओ थोड़ा। संरचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्य चार भेद संयुक्त क्रिया नाम धातु क्रिया प्रेयंतर क्रिया पूर्वक लायक क्रिया। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। इन भिन्न क्रियाओं के मिलने से निम्नलिखित क्रिया के अर्थ में विशेषता आ जाती है। लो जी आप और पेज पलट लेते हैं लो जी इधर पढ़ो जी। दो दिन वह गांव में रहा वह सबका प्रिय हो गया। सरल वाक्य वह दो दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया। संयुक्त वाक्य वह दो दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। मिश्र वाक्य जब वह दो दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। लो जी ये सारा आप वक्रे वक्रे पेज पलट के जो है बच्ची तो पढ़ा लिया अखा दे काली पट्टी बनी हुई है जिवें स्टार्टिंग दिखाया थोड़ी पट्टी भी डबल है ये नहीं कि पट्टी के कुछ दिसदा है दिसदा किवें हैगा वो एंड तक जाके थोड़ा दसांगे असीं। तो अगे आप एक जी साढ़े नाल एक बच्ची होर आई है तीजी बच्ची आई है आप इस तो भी पढ़ा के देख रहे हैं की नाम है बेटा तेरा। नवजोत कौर। नवजोत कौर कि क्लास पढ़ते हो। फिफ्थ। फिफ्थ लो जी आप इन्हों की अखा देते भी पट्टी बन देने लो जी जिवें पहला आप पट्टी बन्नी सी इस तरह इन्ह की अखा देते भी पट्टी बन दी गई है। दोस्तों एक किताब है अंदरुती राय की एक नावल है आजादी भी इन्हें सिलेबस की किताब नहीं है ये आप इस बच्ची को भी पढ़ा के देखते हैं इस पेज तो। लो जी बेटा किताब फड़ो हाथ के इधर सानू पढ़ के सुनाओ। जिस तरह घ्यो ने दुध छेड़े अते आप हुंदे ढंग नाल कौमांतरी संध्या नाल विस्का किते उन्हां कारण इस दी बादशाह राज दी प्रतिभाषा इस दे उपर पूरी तरह लागू हुंदी है। लो जी आपां इह पेज नूं पलट दिंदे आ 5-7-10 पेज इकट्ठे पलट दिंदे आ जी इधरले पासे तुहानूं पढ़ के दसो जी। दिन आर एस एस दे सब सबका बुलारे अते पार्टी दे जनरल स्टकर राम मादर ने लिखी कि जिन्ना रेंद्या खुंद जाली धर्म लिखे औजार ज। लो जी अपा अद्धी किताब पढ़ देने शायद लग सकता किसी ने भी पता नहीं पेज का पहला पढ़ाया होगा रट्टा लाया होगा पूरी की पूरी अद्धी किताब पढ़ती है कोई पेज नहीं देखेगा इतों पढ़ के सुनाओ। भावें कि मैं यह विश्वास नहीं करती कि एडवर्ड साड़ी कालना नू मापन दा सही पैनाम है हन। मैं मोड़े गए एडवायर दे ढेर विच ओह नैशनल एडवायर बेस्ट स्क्रीनर होर जिहड़े पेज दे फॉल्ट ले लो जी इत्थों पढ़ के सुनाओ। हुण जद समुची मनुखी नसल कुछ समय लई अपने घरां विच कैद है तां धरती ने खुद ही अपने जखम भरन दी समर्था सानू दिखा दित्ती है। असी जो बीमार हाँ बीमारी अते अनुसकार दी एह हालत विच कोई उड़पर पौर करन तो अनाश्रम हाँ बस डोर पौर होए कुदरत नू ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆਂ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਦਾ ਅੱਖਰ ਮੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਲਿਖਿਆ।
नवी दिल्ली 28 जनवरी दिल्ली जाएगा। उन्होंने कहा कि कई दे मुख मंत्री अरविंदर केजरीवाल जगह ते तां इस तरह हुंदा है कि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विच जे सड़क विचों दो तीन पत्थर टुट राजधानी दिल्ली विच सड़कां अते फुटपाथां नूं लै के 10 साल योजना पेश कीती। उन्होंने दस्सिया कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਮੋਟੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਰਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਦੀ ਮੁਲਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਗਲਿਓਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲੈਣਗੇ 3 ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਇੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖਬਾਰ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਪੇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਪੇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਪੇ 15-15, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕਮਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾ ਦਿਓ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਝਵਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਾਜ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ